नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। ब्रिटेन की प्रसारक कंपनी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन एक बार फिर सवालों में घिरी हुई है। बीबीसी के ठिकाने पर 13 अप्रैल को ईडी की रेड पड़ी। प्रवर्तन निदेशालय ने बीबीसी इंडिया के खिलाफ विदेशी फंडिंग में अनियमितता बरतने के आरोप में फेमा के तहत केस दर्ज किया। ऐसा पहली बार नहीं है जब बीबीसी सवालों के घेरे में आई हो। इससे पहले भी पीएम मोदी पर डॉक्यूमेंट्री बनाने को लेकर बीबीसी पर सवाल उठे थे। बीबीसी पर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में उनके खिलाफ भी एजेंडा चलाने के आरोप लगे हैं। पहले भी कई बार इसकी फंडिंग पर भी सवाल उठ चुके हैं। इस बार भी बीबीसी इंडिया पर विदेशी फंडिंग मामले में ही फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आइए आज आपको इस वीडियो में बताते हैं कि बीबीसी कैसे काम करती है और आखिर इसकी फंडिंग कैसे होती है और कौन करता है। बीबीसी की स्थापना 1922 में ब्रिटेन में एक निजी संस्था के तौर पर हुई थी। 1926 में हुई काम हड़ताल के दौरान बीबीसी की कवरेज को सराहना मिली। इसके बाद बीबीसी ने 1932 में कई देशों में अपनी पहुंच बनाना शुरू किया। ये वही साल है जब बीबीसी ने अपनी वर्ल्ड वाइड सेवा शुरू की थी। भारत में भी 11 मई 1940 को बीबीसी इंडिया की शुरुआत रेडियो से हुई थी। अब यही सभी मीडिया माध्यमों से लोगों तक अपनी पहुंच बना चुकी है। बीबीसी की ज्यादातर फंडिंग वार्षिक फीस से आती है। ये लाइव टेलीकास्ट के अधिकार देने के लिए संबंधित संस्थाओं से ली जाती है। खास बात ये है कि इस लाइसेंस फीस की वसूली ब्रिटेन सरकार और उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है। इसके बाद सरकार वो पैसा बीबीसी को लौटा देता है। इसके अलावा व्यावसायिक सहायक कंपनियों से भी बीबीसी को अच्छा खासा राजस्व मिल जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार बीबीसी फंडिंग का सबसे बड़ा हिस्सा बीबीसी अपने उन कार्यक्रमों से कमाती है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचे जाते हैं। बीबीसी समाचार सेवा डिजिटल से भी अच्छी खासी कमाई होती है। चलिए अब आपको वो पूरा मामला बता देते हैं जिसके तहत बीबीसी के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हुई है, ये बड़ी रेड पड़ी है। फरवरी में आयकर टीम सीबीडीटी ने बीबीसी इंडिया के दिल्ली ऑफिस पर छापा मारा था। इस छापे में सामने आया था कि बीबीसी ग्रुप ने विदेश से हो रही फंडिंग में अनियमितता बरती है। इनकम और खर्च में भी हिसाब सही नहीं मिला था, न ही टैक्स का भुगतान किया जा रहा था। इसे लेकर आयकर विभाग की ओर से पूछताछ भी की गई थी। इसके बाद ही ईडी हरकत में आई और कार्रवाई की गई। आगे अब केस दर्ज हो चुकी है, तमाम बड़े खुलासे होंगे। इस खबर से जुड़ी हर ताजा जानकारी हम आप सभी तक पहुंचाएंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।